नमस्कार दोस्तों, 14 जून को हमने सुशांत सिंह राजपूत को खो दिया था। वहां पे जब एम्बुलेंस आती है, पहले तो आपको अच्छे से पता है दो एम्बुलेंस को लाया गया। जो अक्षय है, जो एम्बुलेंस गाय है, वो बोलता है वहां पे दो एम्बुलेंस को इसलिए बुलाया गया क्योंकि जो पहली एम्बुलेंस थी उसका जो स्ट्रेचर था वो छोटा था, तो इन्हें बड़े स्ट्रेचर की आवश्यकता थी। यहीं पे इनका पहला झूठ समझ में आ जाता है कि जो ये मुंबई पुलिस कहते रहे सुशांत सिंह राजपूत की हाइट 5'11" है, तो वही 6 फुट हाइट सुशांत सिंह राजपूत कह रहे हैं 5'11" की हाइट एक नॉर्मल स्ट्रेचर पे क्यों नहीं आ पाई, इन्हें क्यों बड़ा स्ट्रेचर मंगाना पड़ा, या फिर दो डेड बॉडीज थी जिसके कारणवश इन्होंने दो एम्बुलेंस को बुलाया। ठीक है, लेकिन यहां पे हम बात करने वाले हैं इस अक्षय बांदकर के ऊपर, जो भाई झूठ बोल रहा है। जो भाई कोरोना काल में जहां पे लोगों के पास रोजगार नहीं है, जहां पे पैसे भाई कट कट के मिल रहे हैं, वहां पे इसके पास इतना पैसा आ चुका है कि ये रॉयल एनफील्ड खरीद लेता है। अभी तो आप सोच रहे होंगे रॉयल एनफील्ड अपने आप में 1.5-2 लाख की गाड़ी है, इस व्यक्ति के पास इतना पैसा है जो एक एम्बुलेंस चालक है कि खरीद ली, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसने एक नई एम्बुलेंस भी खरीद ली है। ये बहुत अहम चीज है जो भाई दर्शाता है, जो हम बार बार बात करें कि साजिशों को अंजाम दिया गया, तो कैसे ही अक्षय इतना पैसा वाला हो गया एकाएक कि भाई ये एक नई रॉयल एनफील्ड खरीद लेता है और उसके बाद ये एक एम्बुलेंस भी खरीद लेता है, एक नई महंगी गाड़ी खरीद लेता है। कैसे कि आपने 2-व्हीलर खरीदी और उसी के कुछ समय बाद आपने 4-व्हीलर भी खरीद ली, इतना पैसा आपके पास कहां से आया? और ये अक्षय के ऊपर प्रश्न तब भी खड़ा होता है जब ये पुलिस, आपको पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की जहां पे मृत्यु हुई 14 जून को, वहां पे कुछ पुलिस वाले जो नजर आते हैं वो फेक नजर आते हैं, यानी कि उनकी अगर फेसबुक प्रोफाइल देखी जाए तो वो थिएटर आर्टिस्ट है, तो उनके ऊपर प्रश्न खड़ा होता है। और ये एक एम्बुलेंस वाला, मामूली सा एम्बुलेंस वाला कैसे पुलिस वाले का हाथ पकड़ सकता है, प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर कैसे आप इतने घनिष्ठ हो, या फिर ये आपकी साजिश का एक हिस्सा है वो पुलिस वाले जो हम बात कर रहे हैं कि नकली है, आपकी उनसे मित्रता है, आपने पूरे प्लान में योगदान दिया है, तो ये एक पार्ट है। अब भाई ये अक्षय जो है, जो बाद में आके सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु में ये व्यक्ति संदीप सिंह से बात कर रहा है, 14 जून को पहुंचा, तो अगर आपने देखा हो संदीप सिंह की CDR जब चेक की गई तो उसने इसी अक्षय के साथ फोन पे बात की थी। जी हाँ, 15 तारीख को, 16 तारीख को इसने बात की है, और सवाल यही खड़ा होता है भाई आप क्यों 2 दिन बाद बात कर रहे हो एक एम्बुलेंस वाले से जिसको आपने बुलाया। इसके ऊपर संदीप सिंह आके बाद में बोलता है कि मैंने तो बात इसलिए की थी क्योंकि उसको पैसा देना था, लेकिन बाद में पता लगता है उसको पैसा पहले ही दिया जा चुका था। तो ये अपने आप में एक जो झूठ रचा गया, जो एक साजिश के अंतर्गत यहां पे इनकी बातें हो रही थी, क्योंकि ये सारे लिप्त हैं, बाद में इस एम्बुलेंस वाले के पास पैसा आ जाता है जिससे ये महंगी महंगी गाड़ियां खरीद लेता है। इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, CBI को इस व्यक्ति की ओर जाना चाहिए। सुशांत के केस में 302 लगना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये सुसाइड नहीं मर्डर है, बहुत क्लियरली बोलूंगा ये मर्डर है। और जो लोग ये सोच के बैठे ये सुसाइड है, वो भी अब जान ले कि ये मर्डर है। ये एम्बुलेंस वाले जो कि भैया एक मामूली कोरोना जैसे समय में इतने लाखों रुपए कहां से आ रहे हैं इनके पास, कौन इनकी जेब भर रहा है, आपके सामने ये डिटेल्स देख लो, किस तरीके से ये एम्बुलेंस खरीदता हुआ, किस तरह से 4-व्हीलर खरीद ली और किस तरह से रॉयल एनफील्ड खरीद ली। अब दोस्तों इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि भाई कोई प्रश्न रह जाता है कि ये व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, तभी ये व्यक्ति बार बार झूठ बोला, तभी ये व्यक्ति संदीप सिंह के टच में था, और तभी ये व्यक्ति झूठ बोलता है लाइव कैमरे पे कि भाई संदीप सिंह कौन है मैं जानता नहीं हूं। इसके साथ इसकी CDR है, लेकिन बोल रहा है संदीप सिंह को मैं जानता नहीं हूं, मेरी कभी बात नहीं हुई। अच्छा, ये मैं प्रकाश सिंह बोल रहा हूँ रिपब्लिक TV से। हाँ। तो ये संदीप सिंह ने आपको 14 जून और 16 जून को कॉल किया था? हाँ। किया था 16 जून को? कौन संदीप सिंह? जो बॉडी ले गया था SSR का। हाँ? सुशांत सिंह राजपूत का जो बॉडी ले गया था एम्बुलेंस में, आप ले गए थे ना? हाँ। तो 16 जून को कॉल किया था आपको? 16 जून को कौन करेगा कॉल? हाँ? कौन करेगा मुझे कॉल? संदीप सिंह ने कॉल नहीं किया था? कौन संदीप सिंह? जो आपको बुलाया था एम्बुलेंस, जो बॉडी ले गया था। संदीप सिंह? हाँ। नहीं नहीं, संदीप सिंह को मैंने पहचान ना, मुझे तो पुलिस वाले बुलाए थे आपको। पुलिस वाले बुलाए थे? पुलिस वाले बुलाए थे आपको? अच्छा, तो पुलिस वाले बुलाए थे तो संदीप सिंह ने 16 जून को कॉल किया था, कॉल डिटेल में आया है मेरे। हम्म, क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। क्या किसी संदीप सिंह से बात नहीं हुई थी आपको?
नहीं नहीं मुझे सर हमको पुलिस वाले रेफर करते हैं, हम पुलिस वाले के बोलने पे जाते काम करने के लिए। तो आप कब गए थे? 15 तारीख को आए थे एम्बुलेंस लेके? 15 तारीख को नहीं, हम 14 जून को गए थे सर। 14 जून को गए थे? हाँ। 14 जून को एम्बुलेंस लेके कहाँ पे गए? उनके घर पे गए थे शव लेने के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या क्या किया आपने वहाँ पे? हाँ? क्या क्या किया वहाँ पे? ऊपर भी गए थे घर में? नहीं, आपको जो कुछ डिटेल्स है पैंट्रा पुलिस है ना, जो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। नहीं नहीं, 14 जून को आप घर गए थे ऑफिस? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे ड्राइवर लोग गए थे, मैं ओनर बात कर रहा हूँ। मैं ड्राइवर लोग गए थे, आपको पूरी डिटेल चाहिए थी पैंट्रा पुलिस है ना, जो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी सर। नहीं नहीं, पैंट्रा पुलिस क्यों आऊंगा। 16 जून को आप फिर बात हुई है संदीप सिंह से, किसी संदीप सिंह के नाम के व्यक्ति से? नहीं नहीं, मैं तो इसको संदीप सिंह को नहीं पहचानता सर। तो कॉल डिटेल में तो है कि आपने बात किया है संदीप सिंह से? नहीं सर, नहीं। संदीप सिंह, संदीप सिंह आपके पहली बार मुझे सुन रहा हूँ, कौन है क्या है मुझे पता नहीं। संदीप सिंह फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं? नहीं नहीं, नहीं। जो जो उस दिन बॉडी लेके गए थे कूपर हॉस्पिटल भी? नहीं सर, मैं नहीं पहचान रहा हूँ। आपको कुछ भी डिटेल चाहिए रहेगा बैंडा पुलिस आ जाओ, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। आपको केवल मुंबई पुलिस ने फोन किया था? हाँ। अच्छा। हाँ। और किसी ने नहीं फोन किया? और किसके, और किसने करेगा मेरे को फोन? हमको, हम पुलिस चौकी का ही काम करते ना। हाँ। अच्छा, तो आप गए थे सौ लेने उस दिन? हाँ। और उसके बाद किसी से बात नहीं हुई? किसी से बात होगी मेरी सर। 16 जून को? नहीं भाई, किससे बात नहीं हुई। अच्छा। हाँ। तो लेकिन कॉल डिटेल में तो आ रहा है 16 जून को आपकी बात। अरे ये आपको कॉल डिटेल पूरा मोबाइल चेक करने का रहेगा, तो आप आ जाओ बैंड्रा पुलिस स्टेशन पे, मैं आपको पूरा दे देता हूँ, मेरा मोबाइल ही दे देता हूँ। नहीं नहीं, आप बार बार बैंड्रा पुलिस क्यों बुलाते हो? बैंड्रा पुलिस से मुझे क्या मतलब है? बैंड्रा पुलिस वाले ने बुलाया तो मैं बैंड्रा पुलिस स्टेशन का ही नाम लूंगा ना सर। बैंड्रा पुलिस क्यों बुलाते हो? मुंबई पुलिस से मुझे क्या मतलब है? मुझे आपसे मतलब है ना। मेरे से क्या मतलब है? मेरे से क्या मतलब है आपको? आपको क्या, बैंड्रा पुलिस ने बुलाया था उस दिन? हाँ। अच्छा, हमको जो रेफर करेगा मुंबई नाम लेंगे ना। तो बैंड्रा पुलिस से किसने फोन किया था आपको? वो पता नहीं, आप बैंड्रा पुलिस से ना जो आपको पूरा डिटेल दे दूंगा आपको। अच्छा, तो संदीप सिंह से आपकी बात नहीं हुई है? अरे कौन संदीप सिंह, मैं नहीं पहचानता यार, मेरे को सर हेडेक कर रहे हो मुझे, आप आपको पूरी डिटेल चाहिए रहेगा बैंड्रा पुलिस से ना जो पूरा डिटेल दे दूंगा आपको। तो वहां पर किसके सामने आप बोलोगे? हाँ? किसके सामने बताओगे मुझे? किसके सामने बताओगे, मतलब जिसके सामने बोलना उसके सामने बताएगा। तो आप अकेले में नहीं मिलोगे मुझसे, पुलिस के सामने मिलोगे? हाँ, कि जिसने रेफर किया उसके सामने बोलूंगा ना मैं आपको। किसने रेफर किया आपको? अरे आप आ जाओ सर, उधर आपको सब बता दूंगा। अब मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ सर थोड़ा। कहाँ जा रहे हो आप? हाँ? किधर जा रहे हो? लोकल कॉल है, गेट बड़ी छोड़ने आ रहा लावारी। अच्छा, उस दिन जो गए थे आप बॉडी लेके? सर आप आ जाओ, मैं पूरी डिटेल दे दूंगा आपको। नहीं नहीं, कूपर हॉस्पिटल जो गए थे तो दो बॉडी निकाले थे, ऐसे लोग हैं। तो गाइस, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके, समझ सके कि सुशांत के केस में ये मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है, ये अक्षय जो है ये इसमें इन्वॉल्व है। इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।